हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी की धारा 307 के बारे में और जानेंगे आईपीसी की धारा 307 से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्पस। तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 307 के अनुसार कोई व्यक्ति जो एक ही आशय से या इरादे से किसी अन्य व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में कोई ऐसा कार्य करता है जिससे अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचती हो या उसकी मौत का कारण बन जाए तो वह व्यक्ति हत्या का दोषी होगा। दोस्तों, आईपीसी की धारा 307 के अनुसार हत्या करने का प्रयत्न 10 वर्ष का कारावास व आर्थिक दंड अथवा दोनों। दोस्तों, यह अपराध गैर जमानती है और किसी भी सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यदि किसी अपराध से किसी व्यक्ति को चोट या नुकसान पहुंचता है तो 10 वर्ष का कारावास व आर्थिक दंड अथवा दोनों हो सकते हैं। यहां पर अगर बात करें अपराध की तो जमानती है और किसी भी सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। अब बात आती है आजीवन कारावास के अपराधी द्वारा हत्या का प्रयास। तो यहाँ पर मृत्यु दंड या 10 वर्ष का कारावास व आर्थिक दंड अथवा दोनों। यह अपराध गैर जमानती है और किसी भी सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। साथ ही में दोस्तों, आपको जरूरी बात बता दें कि ऐसे मामले समझौते करने योग्य नहीं होते हैं। दोस्तों, आईपीसी की धारा 307 किसी की हत्या के प्रयास के लिए ही बनाई गई है। धारा 307 में सजा के प्रावधान सिर्फ उसी के लिए है जिसने किसी व्यक्ति की हत्या करने का प्रयत्न किया हो, ना कि हत्या की हो। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में प्रावधानों के बाद कुछ नए तत्व भी जोड़े गए हैं जिसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या करने का प्रयत्न करता है जो कि खुद किसी दूसरे अपराध में आजीवन कारावास की सजा में हो, उस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगर किसी अभियुक्त को आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ पर अभियुक्त के पास उच्च न्यायालय जाने का अधिकार होता है, यानी कि उच्च न्यायालय में वह उस आदेश को लेकर चैलेंज कर सकता है जो कि निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया है। उच्च न्यायालय के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में भी वह जा सकता है। यहाँ पर उस व्यक्ति के पास अपील करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि आईपीसी की धारा 307 कब किसी पर लगती है और क्या है सजा का प्रावधान। आइए एक नजर में जान लेते हैं कि आईपीसी की धारा 307 से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, धारा 307 में बचने की बहुत कम आशा होती है या कोई समझौता करने योग्य अपराध नहीं है। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह माना है कि यह अपराध समझौता करने लायक नहीं है। इसमें अगर परिवादी यानी जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराई है उसने अगर कहीं न कहीं अपने बयानों में न्यायालय के समक्ष हॉस्टाइल हो जाता है, यानी बयान कुछ आपके पक्ष में दिए जाते हैं, तो अभियुक्त के बचने की कुछ आशा की किरण जग जाती है। ऐसे में यह शिकायतकर्ता अगर न्यायालय के समक्ष बयान दे कि मुझे इस मुकदमे में आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी है, तब कुछ हद तक अभियुक्त के मुकदमे से बरी होने की आशा होती है और इसमें ऐसे ही बचा जा सकता है क्योंकि यह अपराध बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का होता है। तो दोस्तों, यह डिपेंड करता है उस पर जिसने आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और उसके जब बयान होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उसके कुछ बयान आपके पक्ष में होते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी बचने की आशा होती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने लिए आपको एक बेहतर वकील करना होगा। सो आई होप दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।